तो दोस्तों फाइनली आज जियो की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जियो फोन 3 नेक्स्ट प्रो। दोस्तों इस स्मार्टफोन से पहले एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था जियो फोन 3 नेक्स्ट। तो अगर आप दोनों ही स्मार्टफोन से कोई भी स्मार्टफोन लेने के इच्छुक है तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि दोनों स्मार्टफोन की तरफ से नया अपडेट आया है, नया तरीके आए हैं किस तरीके से आपको यह स्मार्टफोन मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि यह स्मार्टफोन सबसे कम दाम में सबको मिलने वाला नहीं है, उसके साथ कुछ कंडीशन लगाया गया है। तो दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन के बारे में नहीं जान रहे थे तो अब आप इस स्मार्टफोन के बारे में जान लीजिए क्योंकि जो इसके बारे में जानेगा, जो लोग अभी चालबाज लोग हैं उनको ये स्मार्टफोन मिल चुका है, लेकिन जो लोग बेवकूफ़ हैं इस स्मार्टफोन के बारे में नहीं जान रहे हैं, नहीं सुन रखे हैं, तो उन्होंने ना तो ऑर्डर किया, ना तो रजिस्ट्रेशन किया और ना ही इस स्मार्टफोन को पाया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जियो फोन 3 प्रो और जियो फोन 3 नेक्स्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बुकिंग का अंतिम दिन है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम दिन है जिसे आप इस दिन को सबसे कम दाम में इस स्मार्टफोन को बुक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नेक्स्ट डे से इसकी बुकिंग करते हैं तो आपको इसकी महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले इस स्मार्टफोन का रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस स्मार्टफोन के साथ कंडीशन क्या है। उससे पहले इस स्मार्टफोन की आपको फर्स्ट लुक दिखा रहा हूँ जहाँ पर ब्लू कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर में स्मार्टफोन मौजूद है, जहां पर एक और कलर दिया गया है जिसे डायनेमिक कलर ऑरेंज कलर के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों आइए हम इस स्मार्टफोन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे मिलने वाला है। दोस्तों 8GB और 128GB रैम के साथ 5G फॉर 5G का डुअल सपोर्ट के साथ यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो सबसे पहला स्मार्टफोन जियो फोन 3 नेक्स्ट और सेकेंड स्मार्टफोन जियो फोन 3 नेक्स्ट प्रो। दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके आप मार्कशीट से यह स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस स्मार्टफोन को कैश लेना तो आप कैश भी ले सकते हैं, उसके साथ मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किस तरीके से स्मार्टफोन को लेना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपके पास जियो फोन 1 है तो आपको पता होगा आज से 4 साल पहले मुकेश अंबानी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था जियो फोन 1 जो ले रहा है 1503 साल बाद उस पैसे के वापस कर दिया जाएगा। तो अब उस समय आ चुका है, आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन करूँ तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम बता सकते हैं। मैं आपको बता दूँ किसी को भी ऑनलाइन 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है और हमारे टीम की तरफ से कभी भी आपके पास ना तो कॉल ना तो मैसेज नहीं जाता है। तो इस बात से आप सतर्क रहें, अपना पैसा बचाएं, किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट करके अपना पैसा बर्बाद ना करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जियो फोन 1 है तो आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं केवल और केवल 1499 रुपये में। अगर आपके पास जियो फोन 2 है तो केवल और केवल 500 रुपये में यह स्मार्टफोन अपने घर ला सकते हैं। लेकिन उनके लिए जिसके पास जियो की सिम भी नहीं है और जियो फोन भी नहीं है तो उनके लिए क्या करना है, दोस्तों उनके लिए आप क्रोम ब्राउजर से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जियो के सिम यूज़ करते हैं तो आप उसे जियो के एप्लीकेशन से भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्रोम ब्राउजर से अगर हम आपको दिखाते हैं तो वहाँ से आप देखकर तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दोस्तों बात याद रखिए कि आज लास्ट दिन है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप, मैं क्या बोलूँ आपको, आप इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे थे और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए और नहीं मिला। तो आइए दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है रजिस्ट्रेशन करने में, सबसे पहले अगर आप जियो के यूजर हो तो आप जियो एप्लीकेशन से बड़े ही सिंपल तरीके से अब इसका यूज करके आप तुरंत ही इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सामने की तरफ एकदम पड़ा हुआ है यह स्मार्टफोन जो आपके सामने दिख रहा है, जिसे आप एक क्लिक के थ्रू कलर चूज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता दूं, जहां क्रोम ब्राउजर से, क्रोम ब्राउजर में आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है www.jio.com जो कि जियो के ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको चारों कलर का स्मार्टफोन दिखाई देने लगेगा, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर और साथ ही साथ रेड कलर, सॉरी ऑरेंज कलर। उसमें से आप कलर चूज करके सीधा आपको अपना नाम डालना है और एड्रेस डालना है और ओके कर देना है, तुरंत ही आपके फ़ोन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर ऑर्डर कंफर्मेशन का आपको मैसेज भी मिलेगा, उस मैसेज के थ्रू आपके 36 घंटे या फिर 24 घंटे के बाद आपके घर स्मार्टफोन पहुंच जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है दोस्तों, स्मार्टफोन पहुंचने के बाद उसे निकटतम जियो स्टोर ले जाना है जहाँ पर आपको रिचार्ज का दाम लगेगा, और रिचार्ज के दाम लगने के बाद वहाँ से एक सिम मिलेगा और आपका स्मार्टफोन पूरी तरीके से चलने के लिए तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।